देवरानी बनी घमंडी सास। अरे शिवानी बहू, देख मैंने तेरे लिए पिज्जा ऑर्डर किया था, आ जा खा ले। वाओ मम्मी जी, आपको कैसे पता चला मुझे इसकी क्रेविंग हो रही है? मेरी प्यारी सुंदर सी बहू का कब क्या खाने का मन होता है मुझे पता चल जाता है। थैंक यू मम्मी जी। अरे उस कलूटी बहू को भी बुला ले, अकेले अकेले पिज्जा खाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। माँ जी, काली जेठानी जी को क्यों बुला रहे हो आप? लो वो खुद ही आ गई। अरे बड़ी बहू, तू क्या कर रही है? चल जा पिज्जा खा ले, ठंडा हो जाएगा वरना। शुक्रिया माँ जी। इसके बाद तीनों सास बहू बैठकर पिज्जा का मजा लेते हैं। अरे माँ जी, ये तो बहुत अच्छा पिज्जा है, मैंने कभी नहीं खाया। खाया भी कैसे होगा, आप तो हमेशा से गरीब घर में रही है। मुझे तो लग रहा है आपने पिज्जा भी आज पहली बार देखा है। मैं तो अमीर हूँ, कभी कभी मंगवाया करती थी घर में। बिल्कुल ठीक बोली मेरी प्यारी बहू। शुक्र कर कुसुम, इतनी गरीब और काली होने के बावजूद भी मेरे बेटे ने तुझे पसंद किया और इस घर की बड़ी बहू बनाया। जी माँ जी, मुझे रसोई में काम है, मैं बाद में बात करती हूँ। ऐसा कहकर कुसुम चली जाती है। वो मन ही मन बहुत रोया करती थी, क्योंकि ये पहली बार नहीं था लता और उसकी अमीर देवरानी ने मिलकर कुसुम की गरीबी का मजाक ना उड़ाया हो। लता ने हमेशा अपनी अमीर छोटी बहू शिवानी को ही प्यार किया, इसलिए वह उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते थे। लेकिन वही बड़ी बहू कुसुम काली थी। पैसे शोहरत के बावजूद भी लता अपने घर में नौकर को ना रखकर सारा काम बेचारी कुसुम से ही करवाया करती थी और छोटी बहू एसी में बैठा करती थी। ऐसे ही एक सुबह सब नाश्ता करते हुए, अरे महेश बेटा, मुझे कालका जी मंदिर जाना है, तू मुझे वहाँ ड्रॉप करता हुआ चलेगा? बड़े दिनों से मंदिर नहीं गई मैं। हाँ माँ बिल्कुल, चलिए मैं ड्रॉप कर दूंगा। माँ मुझे आपसे कुछ कहना था, दरअसल मुझे काम के सिलसिले में न्यूयॉर्क जाना पड़ेगा, तो आशीर्वाद दीजिए कि मेरा काम अच्छे से वहाँ जम जाए और मैं खूब तरक्की करूँ। अरे मेरा आशीर्वाद तो सदैव तेरे साथ है, जानता है ना तू, जितना छोटा था उतना मैंने तुझे महेश से ज्यादा लाड किया है। ऐसा कहकर रविंद्र अपने बैग लेकर निकल जाता है। तभी लता भी अपने बड़े बेटे महेश के साथ कार में बैठकर चली जाती है। पर कुछ दूर आते ही एक ब्रेक फेल ट्रक अजीब से इधर उधर चल रहा था और उसकी टक्कर महेश की कार से हो जाती है, जिसमें लता चल बसती है। लेकिन आसपास के लोग जल्दी से महेश को हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं। तभी दोनों बहू हॉस्पिटल में परेशान होती हैं कि डॉक्टर आता है। डॉक्टर साहब, माँ जी और मेरे पति बिल्कुल ठीक तो है ना? कुछ मेजर प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? बताइए आप चुप क्यों हैं? हाँ डॉक्टर साहब, आप कुछ बताते क्यों नहीं हैं, बोलिए। आई एम सॉरी कुसुम जी, आपकी मदर इन लॉ उसी वक्त अपनी जान गंवा बैठी थी, लेकिन आपके पति बच गए हैं और उनका एक पैर फ्रैक्चर हो गया है, दूसरा वो सदमे में चले गए हैं, इसीलिए महीने भर तक ना बोल पाएंगे ना चल पाएंगे। आपको उनका बहुत ख्याल रखना है। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, माँ जी तो मुझे इतना प्यार करती थी। हे माता रानी, ये क्या हो गया, आप ऐसा कैसे कर सकती है? माँ जी तो आपके दर्शन करने ही आ रही थी और मेरे पति के साथ भी ये क्यों हुआ, क्यों? जेठानी जी संभालिए खुद को। तभी कुसुम अपने पति से मिलती है, जहां वो कुछ बोलने की कोशिश करता तो कुछ कह भी नहीं पा रहा था। वहीं घर पर जब लता की शोक सभा होती है तो दोनों बहू बहुत रोती हैं। फिर शिवानी की माँ रेवती उसे कोने में ले जाकर कहती है, अरे बेटा तू क्यों अपने कीमती आंसू अपनी बुढ़िया जैसी सास के लिए बहा रही है? अरे ये तो खुशी का मौका है तेरे लिए, पूरे घर को हथिया ले, क्योंकि जेठ तेरा बिस्तर पर है और काम करने नहीं जा पाएगा, तेरा पति 6 महीने तक नहीं आएगा। इस घर को हथिया ले और अपनी जेठानी की लगाम खींच के रख, कहीं वो इस घर पर राज ना करे तेरी सास के जाने के बाद। आपने बिल्कुल ठीक कहा माँ, अब मैं बनूंगी अपनी जेठानी की सास। मैं चलाऊंगी हुक्म। रेवती अपनी बेटी को जेठानी के खिलाफ और भड़का देती है। कुछ दिन गुजरते हैं, एक सुबह शिवानी कहती है, हे भगवान, घड़ी में 11 बज रहे हैं, जेठानी जी आपने अभी तक कुछ बनाया क्यों नहीं, मुझे भूख लग रही है। देखो अगर आपको इस घर में रहना है तो मेरे मन मुताबिक रहना पड़ेगा, समझ आई बात? हर सुबह 6 बजे उठकर जल्दी नाश्ता तैयार करना है, साफ सफाई करनी है। शिवानी तुम इस तरीके से क्यों बात कर रही हो, क्या हुआ? ओ हेलो, आपसे जितना बोल रही हूँ अब से आपको उतना ही करना पड़ेगा, समझ में आई बात? माँ जी के कमरे और लॉकर की चाबी मुझे दे दीजिए, अब से मैं इस घर की मालकिन हूँ, क्योंकि माँ जी मुझे ज्यादा प्यार करती थी। लाओ दो। इतना बोलकर शिवानी कुसुम के हाथ से वो चाबी छीन लेती है और घर पर राज करना शुरू कर देती है। इसके बाद कुसुम उसके कहे मुताबिक
वही नाश्ता वही काम करती है। उसका जब मन करता था अपने कमरे में बुलाती थी और अपने पैर दबवाया करती थी। इतना ही नहीं, सास के गुजरने के 2 हफ्ते बाद शिवानी शॉर्ट ड्रेस पहनकर घर पर किटी पार्टी करती है। ये देख कुसुम कहती है, शिवानी ये सब तुम क्या कर रही हो? माँ जी को गए हुए अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, थोड़ी तो शर्म करो। अब आप मुझे बताएंगी कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं? मैं इस घर की मालकिन हूँ और अब मैं कुछ भी कर सकती हूँ। जाकर सबको जूस वगैरह सर्व कीजिए। उदास मन से कुसुम शिवानी के कहने पर सबको जूस और स्नैक्स सर्व करती है। अगले दिन कुसुम अपने हाथ से महेश को खाना खिला रही थी, अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। कुसुम उसको दवाई खिलाती है तो दवाई भी खत्म हो चुकी थी। वो भागती हुई शिवानी के पास जाती है। शिवानी शिवानी, तुम्हारे भाई साहब के लिए मुझे दवाई लानी है, उनकी तबीयत खराब हो रही है, मुझे कुछ पैसे दे दो माँ जी के लॉकर से। माँ जी के पैसे नहीं है, अब वो जेठानी जी मेरे हैं और मैं आपको क्यों दूँ? पता है ना, जेठ जी काम पर नहीं जा रहे हैं तो घर भी मैं ही चला रही हूँ। शिवानी थोड़ा तो रहम करो, तुम्हारे जेठ जी की तबीयत बहुत बिगड़ रही है, मुझे दवाई लाने में भी समय लगेगा। मैं तुम्हारे आगे हाथ पैर जोड़ रही हूँ, मुझे पैसे दे दो। ठीक है दे दूंगी, पहले मेरे सामने जरा अच्छे से गिड़गिड़ाइए। बेचारी कुसुम अपने पति की दवाई लाने के लिए शिवानी के आगे गिड़गिड़ाती भी है, फिर शिवानी उसे पैसे देती है, जिसके बाद कुसुम जल्दी से अपने पति को दवाई लाकर खिलाती है। वक्त गुजरता है, शिवानी अपनी सास की जगह लेकर जेठानी के लिए घमंडी सास बन जाती है और घर पर कब्जा कर लेती है। घर के हालात महेश को भी बिस्तर पर पड़े पड़े समझ आ जाते हैं, लेकिन वो कहाँ कुछ कह पाता है। फिर एक दिन कुसुम जब रोते हुए अपने पति को खाना खिला रही थी तो महेश उसके आंसू पोंछता है। कुसुम मत परेशान हो। महेश जी आपकी आवाज वापस लौट आई, मैं बहुत खुश हूँ। हाँ कुसुम बस बहुत हो गया, अब तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है। मैं रविंद्र को फोन करके सब कुछ शिवानी के बारे में बता दूंगा। देवरानी होकर उसने तुम्हारे साथ जो सलूक किया है मैं उसके लिए कभी माफ नहीं करूंगा। तभी महेश सब कुछ अपने छोटे भाई को कॉल करके बता देता है, जिसके बाद रविंद्र वापस घर आ जाता है और शिवानी को पार्टी करता देखकर एक खींच कर चांटा जड़ता है। शिवानी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरी इतनी मासूम भैया भाभी को तुमने तंग किया और माँ की खबर भी मुझे नहीं बताना जरूरी समझा? तुम माँ के जाने के बाद इतना नीचे गिर जाओगी पता नहीं था, क्यों किया ये सब बोलो? क्योंकि मुझे इस घर पर राज करना था। मैं तुम्हें डिवोर्स दे रहा हूँ, निकल जाओ मेरे घर से अभी के अभी। देवर जी ऐसा मत कीजिए। किस मिट्टी की बनी हो तुम कुसुम, इतना सब होने के बाद भी तुम शिवानी का पक्ष ले रही हो? जेठानी जी, भाई साहब, रविंद्र जी मुझे माफ कर दीजिए, माँ ने मुझे भड़का दिया था इसलिए मैंने ये सब किया, लेकिन आप मुझे एक मौका दीजिए, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी। माफ कर दीजिए देवर जी। कुसुम के कहने पर महेश शिवानी को माफ कर देता है और सारी जिम्मेदारी अब कुसुम संभालती है, जिसके बाद वो सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों कभी भी अपने से बड़ों का निरादर नहीं करना चाहिए, वरना अंत कुछ शिवानी की तरह ही होता है। राधा अपने घर में अपनी माँ और बाबा के साथ रहती थी, उसे पढ़ना लिखना सबसे ज्यादा पसंद था। माँ मेरी 12वीं तो हो गई है, अब आगे मैं UPSC की पढ़ाई करना चाहती हूँ। अपनी बेटी की बात सुनकर सविता चुप हो गई। बोलो ना माँ। इस बारे में तो मुझसे ना पूछकर अपने बाबा से पूछी तो ज्यादा अच्छा होगा। राधा ने हसरत भरी निगाहों से अपने बाबा की तरफ देखा। बाबा। बेटा वो बात ये है कि अब मैं तेरी पढ़ाई रुकवा रहा हूँ, तेरे लिए मुझे एक लड़का पसंद आ गया है, लड़का अच्छा है और तो और ऊपर से उसके घर वालों को दहेज भी नहीं चाहिए। एक गरीब बाप के लिए इससे अच्छा और क्या हो सकता है बेटा। सही कहा तेरे बाबा ने राधा, अब इस पढ़ाई लिखाई को छोड़ दे, वैसे भी आगे चलकर ससुराल के लिए रोटियां ही बेलनी हैं। पर देख राधा, हर लड़की कहीं ना कहीं अपने माँ बाप पर जिम्मेदारी के साथ साथ बोझ भी होती है। कल को अगर ये रिश्ता हाथ से निकल गया और अगर फिर हमें कोई ऐसा इंसान नहीं मिला जो तुझसे बिना दहेज के ही शादी कर ले तो फिर हम क्या करेंगे बेटा। बाबा कल को अगर आपकी बेटी UPSC बन गई तो आप क्या करोगे? हे राम, सविता अब तुम ही अपनी बच्ची को समझाओ, मैं तो चला। श्रीकांत घर के बाहर चला गया। राधा उस रात बहुत रोई। राधा बेटा खाना खा ले, मुझे नहीं खाना। एक तरफ राधा को उसकी पढ़ाई उसका सपना छोड़ने का दुख था तो वहीं दूसरी तरफ श्रीकांत को भी उसकी चिंता थी और वो भी अपनी बच्ची का सपना नहीं तोड़ना चाहता था, लेकिन वो अपने हालातों से मजबूर था। क्यों क्यों मैं इतना लाचार बाप हूँ जो अपनी बच्ची को न पढ़ा लिखा सकता हूँ और न ही उसे दहेज के साथ विदा कर सकता हूँ। श्रीकांत बाहर अकेले में खुद से ही बातें कर रहा था कि तभी सविता वहाँ आई। सुनिए ज्यादा चिंता मत कीजिए, अंदर चलिए वरना आपको सर्दी हो जाएगी। सविता श्रीकांत को घर में ले गई।
चिंता की वजह से श्रीकांत बीमार हो गया। अरे आपको तो बहुत तेज बुखार है राधा बेटा, जल्दी से अपने बाबा के लिए ठंडी पट्टी लेकर आ। दोनों माँ बेटी ने पूरी रात अपने बीमार बाप की सेवा की और जब श्रीकांत को थोड़ा आराम हुआ। बाबा मैं आपसे कुछ बोलना चाहती हूँ। मैं शादी के लिए तैयार हूँ। श्रीकांत और सविता ये सुनकर हैरान थे। मैं आपको ऐसी चिंता लेते हुए बीमार नहीं देख सकती। अपनी बेटी की बात सुनकर दोनों पति पत्नी बहुत खुश हुए और कुछ ही दिनों में राधा की शादी विष्णु नाम के एक आदमी से हो गई। अब शादी हुए पूरा एक महीना हो चुका था। एक दिन राधा बोली, सुनिए विष्णु जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। बोलो। वो शादी के पहले मेरा सपना था कि मैं UPSC की पढ़ाई करूं और इसी फील्ड में आगे बढ़ूं, लेकिन मेरे माँ बाबा के हालातों ने मुझे मेरा सपना पूरा नहीं करने दिया और मैंने बेदिल से शादी करने का फैसला ले लिया, लेकिन मैं अपनी पढ़ाई को अभी भी जारी रखना चाहती हूँ, तो क्या मैं। वैसे तो विष्णु बहुत अच्छे स्वभाव का था, लेकिन देखो राधा, अगर इसकी जगह तुम्हारी कोई और ख्वाहिश होती तो मैं जरूर पूरी करता, लेकिन माफ करना, इस सब के लिए मैं राजी नहीं हूँ। जो सपना था वो शादी के पहले था, अब शादी के बाद तुम्हारा काम घर को संभालना है, समझी। विष्णु ऐसा बोलकर वहां से चला गया। राधा दुखी हो गई, लेकिन बहु उदास मत हो, क्या हुआ अगर तेरा पति राजी नहीं है, तेरे पति की माँ तेरे साथ है। राधा ने उसे हैरानी से देखा। जानती हूँ तुझे अजीब लगा होगा, लेकिन बहू तू नहीं जानती कि मेरा भी यही सपना था, लेकिन मैं उसे पूरा नहीं कर पाई। आज मुझे तेरे अंदर मेरी ही परछाई नजर आ रही है, तो मैं चाहती हूँ कि जो मैं नहीं कर सकी वो तू करे, मैं तेरे साथ हूँ। अपनी सास की बात सुनकर राधा की आंखें भर आईं और उसने तभी UPSC के एग्जाम की तैयारी शुरू कर दी। राधा घर में ही तैयारी कर रही थी। एक दिन वर्षा का बड़ा बेटा और बहू घर आई। उस समय राधा कमरे में पढ़ाई कर रही थी। नमस्ते माँ जी। नमस्ते, तू बैठ, मैं तेरे लिए पानी लाती हूँ। शुक्रिया। वैसे माँ, मेरी देवरानी कहाँ है? हाँ राधा, राधा बेटा, लगता है कि माँ जी बुला रही हैं। राधा अपनी कॉपी किताबों को बिना संभाले ही कमरे से बाहर आ गई। जी सासू माँ। अरे आप? हाँ हम। बहू अब क्या ऐसे ही खड़ी रहेगी, अपनी जेठानी को चाय तो पिला। जी अभी लाई। और हाँ उसके बाद रोटियां बना लेना और फिर पूरे घर की अच्छे से सफाई भी कर देना। जी। राधा ने ऐसा ही किया। उसे देख सोना बोली, मामी जी आप तो राधा से बहुत काम करवाती हो, मुझसे तो आपने कभी नहीं करवाया। इसी तरह से राधा अपनी जिठानी की वजह से पूरा दिन कामों में बिजी रही और वो अपनी कॉपी किताबों के बारे में बिल्कुल भूल ही गई कि तभी शाम को मैं घर आ गया। राधा मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे आराम करना है। ठीक है। विष्णु कमरे की तरफ जा ही रहा था कि तभी राधा को कुछ ध्यान आया और वो उसे रोकने के लिए भागे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये कॉपी किताबें किसकी हैं? राधा राधा। मर गई मैं तो, सासू माँ बचा लो। विष्णु की चिल्लाने की आवाज सुनकर सभी कमरे में आ गए। अरे ये सब क्या है? वो बात को संभालने के लिए वर्षा बोल पड़ी। अरे कुछ नहीं, ये कुछ भी नहीं है, मैंने ही बहू को बोला था घर से सारी रद्दी को इकट्ठा करने को, लेकिन सोना आ गई तो मुझे भी ध्यान नहीं रहा। अच्छा ये बात थी, मुझे लगा कि। तुझे जो भी लगा हो अब तू आराम कर ले, और हाँ बहू इस रद्दी को उठाकर तू बाहर रख दे ताकि मैं इसे बेच सकूं। जी माँ। वर्षा ने किसी तरह बात को संभाल ही लिया। इसी तरह से दिन बीत रहे थे। राधा ऐसे ही रोज छुप छुप कर पढ़ाई करती थी। बहू विष्णु और तेरे ससुर जी काम पर जा चुके हैं, तो तू कुछ देर पढ़ाई कर ले। जी माँ। इसी तरह से राधा घर में ही अपनी पढ़ाई करती और देखते ही देखते उसके एग्जाम का भी टाइम आ गया और इसी तरह छिपकर राधा अपनी सास की मदद के सहारे एग्जाम देने गई, लेकिन वहां से लौटकर आने में देर हो गई। कहाँ थी तुम? क्या तू हमेशा बहू का चौकीदार बना रहता है? कहाँ थी, क्या कर रही थी? अब बस भी कर, मैंने ही इसे मेरी एक सहेली के यहाँ किसी काम से भेजा था। सच? हाँ बिल्कुल सच। विष्णु चुप हो गया और वहां से चला गया। माँ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बस मैं चाहती हूँ कि मैं आपका विश्वास कायम रखूं और इस एग्जाम को पास कर लूं। बहू मुझे यकीन है कि हमारी मेहनत जरूर रंग लाएगी। इसी तरह से दिन बीत गए और आज UPSC का रिजल्ट आने की बारी थी।
राधा और वर्षा के दिल की धड़कन थमी हुई थी कि तभी इंटरनेट पर रिजल्ट आया और खुद को पास्ट स्टूडेंट्स की लिस्ट में देखकर राधा हैरान हो गई। बहू, हमने कर दिखाया। सासू माँ। जैसे ये खबर विष्णु तक पहुंची तो वो भी हैरान हो गया। मुझे माफ कर दो राधा, मैंने जिस चीज से तुम्हें रोका आज यही चीज मुझे तुम्हारे ऊपर गर्व महसूस करा रही है। तुम्हारा शुक्रिया। माफी मत मांगी, और माँ के साथ के बिना तो ये सपना पूरा होना नामुमकिन था। शुक्रिया मेरा नहीं, माँ का अदा कीजिए। मैंने क्या किया, तेरी मेहनत और शिद्दत तुझे यहाँ तक लाई है। हम दोनों की मेहनत। हाँ, ये सही है। आखिरकार एक गरीब सास ने अपनी बहू को यूपीएससी ऑफिसर बनवा ही दिया। अब उनके घर की तंगी भी खत्म हो चुकी थी। इस तरह राधा ने बस अपने ही नहीं, न जाने कितने ऐसे लोगों की आंखें खोली थीं जो सोचते हैं कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती। और फिर सभी खुशी खुशी रहने लगे।